हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुष्मांडा एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी आजकल हम आपका जो हरियाणा एसआई वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें आपका कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम भी है, तो दोनों एग्ज़ाम को हम टारगेट करके चल रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले, ठीक है नहीं, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर। तो पहला सवाल है आपका कि सांड के बंध्याकरण की उम्र होती है तो 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष और 3 वर्ष। तो इसका पहला जवाब है आपका 2 वर्ष। और रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? रानीखेत जानवरों की बीमारी है। तो आपका फाउल, हर्पिस, पैरामिक्सो वायरस, एबीपोक्स और पिकार्नी व्रिडी एंटोरा वायरस। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन आएगा, सेकेंड जवाब है। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो और नहीं तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए। लाल अतिसार रोग किसके द्वारा होता है? लाल अतिसार रोग आपका प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अल्पाइन प्रजाति है, तो अल्पाइन आपकी बकरी की प्रजाति है और केनिंग के पिता कहे जाते हैं। तो यह है आपके एन एपेटर्स। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं हरियाणा सब इंस्पेक्टर और पुलिस वाले एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर। तो चूको नहीं और मेरे साथ प्रैक्टिस करो और इन्हें आप लर्न कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन आपका, सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता क्या है? तो ये आपका 300 ग्राम। और उत्तर भारत में गन्ने की फसल के लिए उर्वरक एनपीके की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 150, 60, 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये आपका रेशियो पूछा गया है, कितना रेशियो होना चाहिए अरहर की फसल के लिए दाना और भूसा। वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन्हें देखो कि अगर आपको नहीं आते हैं तो याद कर लीजिए प्लीज, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका है आपका ये, क्योंकि फैक्ट्स हैं इसमें कोई कुछ कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो आप इन्हें सीधे सीधे याद कीजिए। तो 1, 6 और 8, 1 और 6 से 8 के अनुपात में आपका दाना और भूसे का अनुपात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नरेंद्र आंवला NA6 प्रजाति निम्न में से किसके चयन से विकसित की गई? नरेंद्र आंवला NA6, तो चकेया, हाथीझूल, बनारसी। तो इसके ऑप्शन है आपका, पहला है आपका चकेया। और निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनाम दिए गए हैं इनके, सेब, एप्रिकोट, एवोकाडो, आलमंड, वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आपका डी ऑप्शन है, बाकी 3 ठीक है। उसके बाद है आपका, एक टेबल दी हुई है आपका, सूची 1 और सूची 2, फूल गोभी, मूली, भिंडी, टमाटर। समुद्र तल से ऊंचाई पूछा गया है, तो जो आपका फूल गोभी है उसका है आपका 3रा, और इसके बाद मूली का है आपका 4, 14, और इसके बाद मतलब जो आपका है 4, और उसके बाद आपका भिंडी के लिए है आपका पहला और टमाटर के लिए दूसरा। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हाँ, तो इसका ये पहला वाला ऑप्शन ही आएगा। गन्ने का तना छेदक कीट कौन सा है? गन्ने का तना छेदक कीट, तो उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपका सेकंड है आपका काइप्टेरा। और फ्लेम फोटोमीटर प्रयोग किया जाता है, फ्लेम फोटोमीटर प्रयोग किया जाता है उपलब्ध पोटाश के लिए, गणना करने के लिए पोटाश की। देश में 50% से अधिक भूमिहीन मजदूर अपनी आय के किस स्रोत से प्राप्त करते हैं? ठीक है, भूमिहीन मजदूरों पर सवाल पूछा गया है, तो आपका कृषि मजदूरी से मजदूरी करते हैं। दुग्ध संरचना में किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, दूध के बारे में पूछा गया है। तो वसा है, प्रोटीन है, पानी है और कुल ठोस पदार्थ है, बताइए दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है पशुओं को बेहोश करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति का प्रारंभ की गई, तो ये आपके डी बैनोर द्वारा। और उसके बाद हरियाणा में कृषि मंडी, कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका 1961 का एक्ट था, आपका 1961 वाला एक्ट। कौन से पौधे निष्प्रभावी दीप्तिकाली हैं? तो आपका है सूरजमुखी और टमाटर, कपास, सोयाबीन। सूची 1 को सूची 2 से, तो
जो है आपका कपास है, सरसों और तंबाकू, इन्हें हमने क्या है मीज मील करना है। तो जौ के लिए आपका जंगली जई, और कपास के लिए कंघी, और सरसों के लिए आपका हुलहुल, और तंबाकू के लिए गठवा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। मक्खी द्वारा लीची के परागण में लगभग कितनी वृद्धि होती है? मधुमक्खी द्वारा, ठीक है, मधुमक्खी द्वारा लीची के परागण में लगभग कितनी वृद्धि होती है? 20 से 25%। सेब के फल सेट होते समय कम से कम ताप गर्म होना चाहिए, तो ये आपका है 4.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। केले में फलियों को भरने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका है जिब्रेलिक एसिड। हरियाणा नस्ल किस प्रकार की है? दुधारू, दुई काजू, काजी, भारवाही। तो ये आपका है दुई काजी। अगला क्वेश्चन आपका, ये भी मेज द फॉलोइंग है। सूची वन को सूची टू से मिलाना, अवरोधी उदय और पूसा 261K5। तो इसके ऑप्शंस बता देता हूं मैं। ये आपका तीसरा ऑप्शन है, ये ऐसे पूसा 6-7 काबुली चना है, और K5 आपका हरे रंग के दाने। तो उसके बाद एक और है आपका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सतलज, चिप्सोना 2, कुफरी देवा। तो इसे भी आपने मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसका भी ऑप्शन जो है आपका, मैं ये बता देता हूँ, सेकंड है, ये आपका जो है तीसरा, ठीक है, और इसके अलावा 3-1-4-2। तो इसका आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन आएगा इसका। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसे कहते हैं, ठीक है, अम्लीय वर्षा। आसान सवाल है। सिंचाई की नाली के पानी फ्लो को नापते हैं वी नोच द्वारा। अंतःसरण का अभिप्राय क्या है? पानी का पौधों में प्रवेश करना। उसके बाद आपका नेक्स्ट, सनई की रेशे वाली फसल कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? 10 से 12 सप्ताह में। भारत में बागाती फसल का क्षेत्रफल कुल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2%। भारत में निम्न में से किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केले का। इन चारों की बात हो रही है। लखनऊ 49 प्रजाति को किस अन्य नाम से जानते हैं? सरदार, चित्तीदार, हफ्सी। तो ये आपका है सरदार। कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? मैगजीन का नाम सुना होगा आपने। तो ये आपका कृषि एवं सहकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूची वन को सूची टू से मिलान कर रहा है, जिसमें कोहरा, पाला, ओस, बादल, तो इन्हें आपस में मेष कराने पर सवाल पूछा गया है। तो ये डायरेक्ट सीधे सीधे ही मेष हैं आपके, कोहरा, पाला, ओस, बादल, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका आपका तीसरा है, ताप लहर से क्या होता है? ताप लहर से क्या होता है? और ये आपका फसल के बीज का अंकुरण। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं को कार्बन पथ कहते हैं। C3 पौधों का सही क्रम क्या है? C3 पौधों का सही क्रम क्या? बहुत अच्छा सवाल है। मूंगफली, आलू, गोवा, गेहूं और सोयाबीन, सेकंड ऑप्शन। और पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है, तो यह है आपका हाइपोजीएल के कारण। जीवाणुओं का कौन सा समूह फॉस्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? स्यूडोमोनास। गन्ने की बीज दर है, गन्ने की बीज दर है तो 80 क्विंटल पर हेक्टेयर। गेहूं में CRI अवस्था आती है, ये भी अच्छा सवाल है। 20 से 25 दिन की बुआई के बाद
और नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल है? आसान है, मूंगफली, आलू, तंबाकू, चना, मूंगफली। और निम्न में से किसको साधारणतः हरी खाद भी कहते हैं? ठीक है, ये भी आसान सवाल है, आपको आता होगा, ढैंचे को बोलते हैं। कौन सी फसल उत्तरा खेती में उगाई जाती है? कौन सी फसल उत्तरा खेती में उगाई जाती है? तो है आपकी मसूर। और गायों की संख्या पूछी गई है इंडिया के अंदर, कुल कितनी गायें हैं? 201 मिलियन। और गायों की संख्या में भारत की स्थिति क्या है? तो दुनिया में पहले नंबर पर है हम। बकरियों की संख्या, तो बकरियों की संख्या भारत में है आपकी 115.3 मिलियन। निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली नहीं करता? तो जुगाली आप देख पा रहे हो, गाय भी करती है, बकरी भी करती है, भेड़ भी करती है। तो आपका तीसरा आएगा डीडीटी क्या है, तो कौन सा विष है? तो डीडीटी आपका इसका सभी तरीके का विष है, रोगार जाना जाता है, तो रोगार जाना जाता है आपका डाई मेथोएट के रूप में, और डाई मेथोएट बहुत प्रभावशाली है आपका, तो इसका डी आएगा। निम्न में से कौन सी ठंडक फसल से संबंधित नहीं है? तो वह है आपकी गांठ गोभी। एक हेक्टेयर फूल गोभी की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 500 से 650 ग्राम। और फल मुख्यतः साधन है, फल मुख्यतः साधन है, तो खनिज का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, तो ऑल ऑफ द अबव। विटामिन B2 प्राप्त होता है किससे? पपीते से, केले से, लीची से, या सबसे? तो आपका है पपीते से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाला नुकसानदायक है? पाला नुकसानदायक है आपका डी। सदाबहार पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय? बसंत ऋतु। भारत में शहद का कुल उत्पादन है 9.7 हजार टन। VAM क्या है? तो VAM आपका ये कवक होता है। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। मानसून शब्द अरबी का है, आसान है। कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 2.5% कास्ट आयरन। तो इंजन का BHP प्रदर्शित करता है PTO, पुली पर शक्ति। टमाटर की बीज दर क्या है? 400 से 500 ग्राम। जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो उसे कौन सी क्रॉसिंग कहते हैं? अच्छा सवाल है, क्रिस क्रॉसिंग। और मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा किस कारक से गुणा करते हैं? तो यह आपका 7.1724। SAR की गणना कर सकते हैं, SAR की गणना। तो यह आपका है पहला। जेल डोल विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसका तीसरा है। मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने में P2O5 0.44। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और आप इन्हें करने की कोशिश कीजिए। और अधिशाली गन्ने की रोपाई किस महीने में करते हैं? फैक्ट है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है, जुलाई और अगस्त में। नोरिन 10 एक बोना जीन है, तो नोरिन 10 किसका है? ये भी फैक्ट्स है, इसमें कोई बात समझने की नहीं है। तो गेहूं की है, अगर आपको आता है तो आप कर पाओगे, तो याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में लागत का कारक है? लागत का कारक है, और इसमें आपका है डी, निराई गुड़ाई व खाद की मात्रा। रिसेशन फार्मिंग क्या है? रिसेशन फार्मिंग क्या है? तो रिसेशन फार्मिंग है आपका बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। 0.2 कैलोरी ग्राम ऊष्मा किस प्रकार की मृदा की होती है? गीली, सूखी, क्षारीय, तो सूखी है आपका। एक्सटेंशन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया यूएसए में, यूएसएसआर में, तो इसका था आपका यूएसए के अंदर। पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई? पशुपालन में प्रथम क्रांति का 1980 के दशक में, 60 के, 70 के, 90 के, 70 के। और जो आपका स्पर्म्स है उन्हें कितने ताप क्रम पर संग्रहित किया जाता है? तो 5 से 69 डिग्री सेंटीग्रेड। गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? अच्छा सवाल है, 101 फारेनहाइट। कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है? तो यह आपका है मुर्ग केश। क्लोरीन एक का एक अणु ओजोन के लगभग कितने अणुओं को ओजोन परत से बाहर कर सकता है? 1 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप रोग का कौन सा एक स्रोत नहीं है, बीजों से फैलने से, मृदा से, हवा से, या पानी से? तो है आपका पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैनी कीट किस फसल को अधिक हानि पहुंचाता है? तो सैनी कीट आपका किस फसल को हानि पहुंचाता है? ये आपका उड़द, अरहर, मूंग, और अगला है आपका धान। तो यह आपका है धान। और भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया, बोनी जाति का? गन्ने की मृदु रोमिल आशिता बीमारी किस फसल को हानि पहुंचाती है? तो इसके ऑप्शन है आपके तंबाकू को। अच्छा सवाल है। मूंग फसल के लिए क्या सत्य नहीं है? तो वह आपका कार्बोहाइड्रेट 20%, बाकी ठीक है। निम्नलिखित में से सोयाबीन से संबंधित सुमेलित नहीं है, तेल, प्रोटीन, उत्पत्ति और शिलाजीत। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका है आपका जो फोर है, ये फोर ऑप्शन है। बाकी तेल, प्रोटीन 20-20%, 40-40% है। कपास के बीज शोधन के लिए क्या सही नहीं है? तो कपास के बीज शोधन के लिए, तो इसका जवाब आपका पहला वाला ही है, ये ठीक नहीं है। गन्ने के गुणसूत्रों की संख्या होती है, गन्ने के गुणसूत्रों की संख्या आपकी 2N80। कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कृषक भारती पत्रिका, तो ये प्रकाशित होती है आपकी चंद्रशेखर आजाद कानपुर से, यूनिवर्सिटी कानपुर। सब्जियों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो सब्जियों के संबंध में क्या सत्य नहीं है, इसका है आपका ये डी ऑप्शन, भारत सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पानी में किस पदार्थ के घुलने से कौन सा आयन प्राप्त होता है, किसी पदार्थ के घुलने से कौन सा आयन प्राप्त होता है? तो इसका है आपका हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली की खेती के लिए मृदा मांग है, मूंगफली की खेती के लिए मृदा मांग है आपका बलुई मिट्टी की। और सूची वन से सूची टू को मिलान करना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दुष्पचनीय तंतु और वसा। तो इसका आंसर है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, जो प्रोटीन है मांसपेशियों का निर्माण, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शरीर का तापक्रम, दुष्पचनीय तंतु फर्स्ट, वसा देहिक कार्य, यानी कि इसका सी जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव क्षति क्या होती है? तो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों तथा जीवधारियों द्वारा बीज की क्षति को जैव क्षति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। तो इसका आपका पहला वाला ही है, बैरोमीटर से नमी नहीं नापी जाती। फसल को पुष्टिकर बनाने में पौधों के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। तो ऑप्शन है आपका 20-25%, 10-20%। तो इसका मैं जवाब बता देता हूं आपका, पहला ही आपका 20-25%। मक्का की जल मांग कितनी है, मक्का की जल मांग कितनी है? और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला है आपका 15.6 हेक्टेयर। धान की जल निधि प्रजाति कहलाती है, धान की जल निधि प्रजाति कहलाती है। तो चार ऑप्शन है इसके, और ऑप्शन पे एक बार निगाह डाल लेते हैं। तो इसका है आपका जवाब होना चाहिए पहला, जल भराव की स्थिति। हिल एवं स्टोलेन सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था है। तो इसके ऑप्शन देख लेता हूं एक बार। तो इसका जो जवाब होना चाहिए आपका वो है सेकंड, आलू के लिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट मुख्यतः स्रोत है, तो ये सभी का
धान की फसल में लेह किया जाता है? इसका जवाब आएगा आपका तीसरा, यानी कि दोनों, जलानी कम करने के लिए भी, खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए। आलू की कौन सी प्रमुख बीमारी है? झुलसा, सफेद गिरवी, पछेता। तो इसका है आपका ये तीसरा, पछेता झुलसा, पछेता झुलसा। और इसके बाद है आपका धान में खैरा बीमारी का कारण है, तो पोषक तत्वों की कमी, म्यूरेट और पोटाश का प्रयोग किया जाता नहीं किया जाता है, म्यूरेट और पोटाश का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका है चने के लिए। फसल जिसमें अधिकतम कीट रोगनाशी रसायन का प्रयोग होता है, तो इसका जवाब है आपका पहला टमाटर। भारतीय गाय की औसत उत्पादकता क्या है? तो देख लेते हैं सब ऑप्शन इसके। तो इसका तीसरा है आपका 1217 किलोग्राम पर बयान। निम्न में से कौन सा खनिज मुख्य खनिज पदार्थ जानवर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका है आपका डी। और निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? तो इसका जवाब है आपका पहला, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का साधन है? तो खूनी आहार, तालाबी छाछ, मछली आहार। आसान है, इसका डी ऑप्शन आएगा। और सामान्य रूप से गाय की परिपक्वता अवस्था होती है लगभग 2 साल की। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने, जिस पे बात की हमने हरियाणा एसआई और कॉन्स्टेबल वाले एग्जाम के लिए। तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए, और कुछ और वीडियोस भी हम यूट्यूब पर आपके लिए अपलोड करते रहेंगे जो एकदम फ्री हैं, आप कितनी बार देख सकते हो। और इसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इन एग्जाम्स के लिए। और हमारी वेबसाइट है आपकी कुशमांडा.com, वहाँ से आप डिटेल आप ले सकते हो। आप हमारी हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हो, और नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।